हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमाइज़र्स पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज मैं इंडिफरेंस कर्व का शेप लेके आई हूँ कि क्या होता है इंडिफरेंस कर्व का शेप, जो कि यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो क्या है शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जान लेते हैं। स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व, जो आपका इंडिफरेंस कर्व अगर स्ट्रेट लाइन होता है, इसमें हम देख सकते हैं कि आपका जो ये नेगेटिव स्लोपिंग आपका इंडिफरेंस कर्व दिख रहा है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। वो किस केस में होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में होता है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जैसे आपने ऑरेंज नहीं खाया तो आपने एप्पल खा लिया, ठीक है, मतलब आपने ऑरेंज को सेक्रीफाइस करके एप्पल खा लिया, ठीक है, क्योंकि ऑरेंज की प्राइस जो थी या फिर उसका जो सप्लाई था कहीं ना कहीं अफेक्टेड था, इस वजह से आपने एप्पल को परचेज़ किया। तो ये कब किस केस में होता है, जब आपका स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व होता है, जब वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है तब। आईसी में भी नेगेटिव स्लोपिंग, ठीक है, आपका जो आईसी होगा वो नेगेटिव स्लोपिंग होगा। इस ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि जो आपका दो गुड्स लिया गया, एक एक्स एक्सिस पे एप्पल और वाई एक्सिस पे आपका ऑरेंज, जैसे जैसे आपका आपकी क्वांटिटी जो है एप्पल की बढ़ रही है तो आपकी क्वांटिटी जो ऑरेंज की क्या है, घट रही है, ठीक है, और आपका ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व बन रहा है इस केस में, ठीक है। तो आपकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी एम आर एस एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इस केस में 1 आएगी, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में आपका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, और आपका जो एम आर एस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्या है, राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व। अब आपका जब राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व होता है वो किस केस में होता है, आपका परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में होता है। परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड होता है जिसमें कि हम एक गुड के बिना दूसरे जो दूसरा गुड है उसको यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आपका जूता हो गया, जैसे आपकी चप्पल हो गई। तो जो आपका राइट हैंड वाला राइट वाला जो चप्पल है, आप उसको अगर आपके पास नहीं है तो आप लेफ़्ट वाला भी यूज़ नहीं कर सकते, जो कि आपके लिए यूज़लेस हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है, यानी कि राइट शूज़ एंड लेफ़्ट शूज़, या फिर राइट स्लीपर और लेफ़्ट स्लीपर, ठीक है। द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज़ राइट एंगल। जो आपका इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है वो आपका किस शेप में होता है, राइट एंगल के शेप में होता है, ठीक है। और इस केस में जो आपकी एम आर एस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अ कंज्यूमर विल बाय राइट एंड लेफ्ट शूज़ इन अ फिक्स्ड रेशियो, यानी वो अगर एक पेयर जूता ख़रीदता है तो उसमें एक क्या होगा, राइट शूज़ होगा आपका, ठीक है, राइट पेयर वाला होगा, और एक क्या होगा, लेफ़्ट वाला, ठीक। तो इसमें जो आपके एम आर एस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपके दो शेप हो गए आपके इंडिफरेंस कर्व के, एक स्ट्रेट हो गया, एक राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व हो गया। और आपका जो पहला वाला केस था, उस केस में हमने देखा था जब वो स्ट्रेट था, तो उस केस में आपका जो एम आर एस की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और ये जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए था, जो कि जिसमें आपका स्लोप जो है नेगेटिव था और एम आर एस की वैल्यू क्या थी, वो 1 थी, ठीक है, एमआरएस की वैल्यू 1 थी, किसके केस में, स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व। और नेक्स्ट वाले में जो आपका था परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स यानी परफेक्ट क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के शेप मतलब उसमें था, और इसमें जो आपका शेप था वो राइट एंगल था, और एमआरएस की वैल्यू जो आपकी थी वो क्या थी, 0 थी, ठीक है। और राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व भी ये बन रहा था, आप देख सकते इसको ग्राफ में यहाँ पर, ठीक है, और ये स्लोप देखिए ऐसे जा रहा है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बजट लाइन और प्राइस लाइन, जिसको हम लोग और बोलते हैं। बजट लाइन का एक और नाम क्या है, प्राइस लाइन, ठीक है। बजट लाइन इज़ आल्सो नोन एज प्राइस लाइन, ठीक, याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि बजट लाइन को और भी क्या बोला जाता है, प्राइस लाइन भी बोला जाता है। अब बजट लाइन होता क्या है, बजट लाइन शोज़ ऑल डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट कंज्यूमर कैन परचेज given his money income and price of two commodities। budget line क्या show करता है, different combination show करता है दो commodities का, क्या क्या combination, different combination show करता है। budget line shows the different combination of
टू कमोडिटीज, दो कमोडिटीज़ के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है। कंज्यूमर कैन परचेज गिवन हिज इनकम द प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज़, और कंज्यूमर उसको किसके एवज में परचेज करता है, मनी जो उसके पास है उसके एवज में उसको परचेज करता है। तो जो उसका स्लोप होता है प्राइस लाइन का वो क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ एप्पल हो जाएगा और प्राइस ऑफ ऑरेंज। आप क्योंकि हम इस केस में भी क्या लेते हैं, दो कमोडिटीज़ लेते हैं जिसके दोनों की क्या होती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होती है। जब आपका एप्पल 4 रहेगा तो आपका जो ऑरेंज होगा वो मे बी 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा स्लोप जो होता है प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन का वो क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। सपोज अ कंज्यूमर हैज इनकम, कंज्यूमर के पास क्या है, उसकी इनकम है 4 टू बी स्पेंड ऑन ऑरेंज एंड एप्पल। द प्राइस ऑफ एप्पल इज 1 एंड द प्राइस ऑफ ऑरेंज इज 0.50। द डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ कंज्यूमर कैन गेट दिस गुड। अब आपका 1 रुपये का क्या मिल रहा है, एप्पल मिल रहा है और ऑरेंज जो है आपको 0.5 का मिल रहा है। तो जब आपका इनकम 4 है, 4 के लेवल पे इनकम में आपका एप्पल 0 खरीदा जा रहा है तो आपका ऑरेंज कितना हो रहा है, 8। और जब आपका एप्पल 1 है तो ऑरेंज कितना है, 6 है। एप्पल जब आपका 2 है तो ऑरेंज क्या है, 4 है। जैसे जैसे इसकी इंक्रीज़, ये जो एप्पल की संख्या जो है इंक्रीज़ कर रही है तो इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ करेगी, है ना। जैसे हम एक को खाने के लिए दूसरा सेक्रीफाइस करते हैं, तो हम एप्पल को जब ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं तो ऑरेंज को हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस करना है इस केस में। तो हम इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 4 ही आपका इनकम है, उसी में आपका एक एप्पल 0 है, आपका ऑरेंज 8 है। 4 ही में आपका लास्ट में देखेंगे कि आपका एप्पल 4 हो गया और आपका ऑरेंज कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और आपकी टोटल मनी ख़त्म, मतलब स्पेंड हो गई। अब देख लेते हैं बजट लाइन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, फिगर कैसा होता है। इसमें हम देख सकते हैं ये आपका क्या है, बजट लाइन। ठीक है, और जब आपका आईसी कितना क्या था, ऐसे है ना, इंडिफरेंस कर्व जो था वो इस तरीके से था। आप लोग याद कर लीजिएगा ये क्या है, आपका बजट लाइन है। इफ़ देर इज़ एनी पॉइंट आउटसाइड और टू द राइट ऑफ द प्राइस लाइन ए बी, द कंज्यूमर विल नॉट एबल टू बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेड इनकम। अगर कोई भी पॉइंट इस बजट लाइन के बाहर होता है तो कंज्यूमर की क्या होती, इतनी इनकम नहीं होती कि उस गाय मतलब जो गुड है उसको क्या कर सके, बाई कर सके। ठीक है, बिकॉज कंज्यूमर इज नॉट एबल टू बाई दैट गुड बिकॉज ऑफ द लिमिटेड इनकम। उसकी इनकम क्या है, लिमिटेड है, इस वजह से वो क्या है, नहीं बाई कर सकता। पर अगर इसके अंदर आ जाएगा तो क्या है, आपका जो कंज्यूमर है वो क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है उस गुड को, क्योंकि आपका वो बजट लाइन के अंतर्गत है, उसके बजट में है। बोलते हैं ना कि हमारा 4 रुपये हमारी बजट है और हमें 2 एप्पल एंड ऑरेंज ख़रीदना है, तो हम मान लो 8 एप्पल ख़रीद सकते हैं, सॉरी आपका हाँ 8 एप्पल ख़रीद सकते हैं, 0 आपका क्या ख़रीद सकते हैं, ऑरेंज खरीद सकते हैं, अगर एक का प्राइस 1 है और एक का प्राइस अगर 0.5 है। तो इस जो ये ए बी बजट लाइन है इसमें है, इसके अगर बाहर रहता है कोई भी पॉइंट तो यानी कंज्यूमर क्या है, वो बाय नहीं कर सकता क्योंकि उसकी इनकम क्या है, कम है। और अगर अंदर रहेगा तो क्या कर सकता है, वो परचेज कर सकता है। इफ़ देर इज़ एनी पॉइंट इन साइड और लेफ्ट ऑफ द प्राइस लाइन, यानी इन साइड होगा तो उसमें क्या करेगा, जो कंज्यूमर होगा विल एबल टू बाय। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है देख लेते हैं, शिफ्ट ऑफ प्राइस लाइन। प्राइस लाइन शिफ्ट क्यों होती है, ड्यू टू चेंज इन इनकम। जैसे हमारी इनकम बदली, ठीक है, इनकम हमारी बढ़ गई, ठीक है, तो हम अब जब जो हमारे आउटसाइड पॉइंट था, अब हम हमारा जो जैसे इनकम राइज हुआ, अब हमारा जो बजट लाइन है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा। अगर इनकम घटेगा हमारा बजट लाइन जस्ट इनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, मतलब हम लोग कम कमोडिटीज़ को परचेज़ करना चाहेंगे। यानी इस अगर हमारा आपका राइट वर्ड शिफ्टिंग होता है, राइट वर्ड शिफ्टिंग का मतलब हमारा क्या है, कहीं ना कहीं हमारा क्वांटिटी जो है बढ़ रहा है, क्वांटिटी हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो इस इनकम बढ़ने से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी, तो जब बजट लाइन किधर शिफ्ट करेगा, आपका इस पॉइंट पे शिफ्ट होगा। यानी आपका ये मेन बजट लाइन था, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपका जैसे ही इनकम घटा तो हमारा मेन बजट लाइन तो ये है और शिफ्ट ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड। ठीक है, प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज़ रिमेन कॉन्स्टेंट, वही प्राइस था जो
एक था और आपका 0.5 था, वही सेम प्राइस है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज, इस केस में आपका जो है इनकम जो होगा कंज्यूमर का वो सिर्फ बदलेगा, जिसकी वजह से आपका बजट लाइन शिफ्ट करेगा। जब राइज होगा इनकम आपका तो क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, शिफ्ट टू राइट। और जैसे ही फॉल हो जाएगी इनकम आपकी, ख़त्म गिर जाएगी, वैसे क्या हो जाएगा, शिफ्ट टू लेफ्ट वर्ड। फिर क्या है, ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑन ऑफ वन कमोडिटी, अगर एक कमोडिटी की प्राइस फॉल हो जाती है तो आपका जो बजट लाइन होगा वो किस तरीके से होगा देख लेते हैं। एजम्पशन क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन अनचेंज्ड, इसमें एजम्पशन लेंगे सिर्फ प्राइस आपका बदलेगा, इनकम वही एज इट इज रहेगा, कोई बदलाव उसमें नहीं आएगा। प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज कॉन्स्टेंट, एक का प्राइस जो होगा कॉन्स्टेंट होगा और दूसरे का प्राइस क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, और इनकम जो है सेम रहेगा। तो जब ऐसा होगा इस केस में तो आपका जो इनडिफरेंस कर्व है वो किस तरीके से होगा, आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें एक्स पे आपका एप्पल है और वाई पे आपका ऑरेंज है। आपका ये जो है बजट लाइन था रियल वाला, और एक बजट लाइन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, ठीक है, क्योंकि उसकी प्राइस में क्या हुआ, माइट भी बढ़ा गया है और या फिर घट गया है, तो आपका बजट लाइन उस तरीके से शिफ्ट कर जाएगा, फॉल इन द प्राइस ऑफ द एप्पल। एप्पल का जब प्राइस जो होता है वो फॉल किया, उसी तरीके से हमारा बजट लाइन जो है वो क्या करेगा, आप डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल का करेगा, ठीक है। जैसे ही एप्पल का प्राइस क्या था पहले, 1 रुपये था, अब हमारा 0.50 हो गया, तो हम क्या करेंगे, एप्पल के अब एप्पल का डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो इस वजह से हमारा डिमांड कब जो सॉरी जो ये बजट लाइन है वो शिफ्ट करके इस तरीके से आगे की तरफ चला जाएगा, और इस पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम स्टिक रहेगा, क्योंकि इस ये वाला आपका क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, ऑरेंज वाला ऑरेंज की जो है प्राइस नहीं चेंज हो रही है, इसलिए इस वजह से जितना हम क्वांटिटी डिमांड ऑरेंज का करेंगे वो एज इट इज़ सेम रहेगा, ठीक है। तो दो रीज़न हो गया बजट लाइन के शिफ्ट होने का, एक आपका प्राइस का चेंज होना और एक क्या है आपका इनकम का चेंज होना। इनकम का चेंज होता है यानी इनकम जब बढ़ती है तो हमारी बजट लाइन जो है राइट वर्ड शिफ्ट करती है, और इनकम जब हमारी घटती है तो हमारी लेफ्ट वर्ड, यानी इनकम जब हमारी बढ़ती है तो बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट करती है, और इनकम जब हमारी घटती है तो हमारी जो बजट लाइन है वो किधर शिफ्ट करती है, लेफ्ट वर्ड, ठीक। और जैसे ही हमारा प्राइस, एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा दूसरे का क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, तो हमारा बजट लाइन इस तरीके से शिफ्ट करेगा, ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आप ट्यूज़ इसको, थैंक्स फॉर वॉचिंग।